नहीं सर, कर लीजिए सर, ऐसा कोई। वेलकम टू द चैनल ऑफ ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन। माय सेल्फ आसिफ मुमताज एंड मौलिक उबैद और फरहान यहाँ पर प्रेजेंट है। इनका डाउट्स है। इस बैच में और भी बच्चे हैं, सिर्फ तीन नहीं है, बहुत बच्चे हैं। ठीक है, कितने हैं, होंगे सब मिला के आप ही लोग बता दीजिए। 12, 15। हाँ वैसे ही है, 15 है, 12 नहीं है, 15 है, कुछ लोग एब्सेंट है। आइए, वर्स्ट रिएक्शन क्या बोलता है। वर्स्ट रिएक्शन बोलता है 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। एकदम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। ये हमारे क्लास 10 में भी था, अभी आप 11 के बैच हैं, कॉम्पिटिटिव के इंटीग्रेटेड जो हम लोग कर रहे हैं। 2 moles ऑफ अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, कैमरा ऑफ कर लो, मैं स्क्रीन बड़ा ही कर लेता हूं। 2 mole ऑफ अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन रिएक्ट विद मेटेलिक सोडियम, जो सिंपली सोडियम है उसका मतलब, इन ड्राई इथर टू फॉर्म alkane is known as वर्स रिएक्शन। क्या बोल रहा है रूट्स रिएक्शन के बारे में, क्या बोल रहा है पहले वो हम लोग देखते हैं। हमें क्या बोला जा रहा है कि 2 mole ऑफ अल्काइल हैलाइड है जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, मेटेलिक सोडियम से ड्राई इथर कंडीशन में, तो क्या फॉर्म करता है, एल्केन करता है। एकदम सिंपल वे में देखते हैं, RX is alkyl halide or haloalkane. X here stand for chlorine, bromine and iodine. वर्स रिएक्शन में हम लोग फ्लोरीन नहीं लेते हैं, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड वो ऑलरेडी इससे खुद रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बनाता है, तो हमें अभी उतने डिटेल में नहीं जानना है। हमें जानना है X stand for halogen, only for chlorine, bromine and iodine. When 2 mole of alkyl halide, this is the 2 mole of alkyl halide, we can write like this. When react with मेटेलिक सोडियम, किस मीडियम में होना चाहिए, ड्राई इथर, क्या फॉर्म करता है ये, टू एन एक्स, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाता है, आर आर। अब बहुत से बुक में देखिएगा कि इस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल इस तरह दिया गया है, समझाने के लिए आर एक्स को उस तरह नहीं लिख के, एक्स आर बात एक ही है, शेयरिंग है, और इस तरह से इसे हटा दिया गया है और ये आर को कंबाइन, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना दिया गया है, आर आर। तो वॉट इज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कंबाइन टूगेदर इज नोन एज एल्केन। So, ये alkane है, ये एक alkane का preparation का method है, which is known as Wood's reaction, 2 mole of alkyl halide react with metallic sodium in presence of dry ether to form alkane is known as Wood's reaction. हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम आराम से डिटेल में आ रहे हैं। आप किसी भी लेवल के हैं, 11 में है, 12 में है, नीट में है, जेई में है, सभी का ये Wood's reaction का फंडामेंटल आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक क्लोरोमीथेन, हम लोग देखते हैं कि क्लोरोमीथेन के ऊपर वर्स रिएक्शन का क्या एक्टिविटीज होता है। क्लोरोमीथेन इज आल्सो नोन एज मिथाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसे, मिथाइल क्लोराइड। बच्चों कोई भी प्रॉब्लम होगा बीच में आप मुझे बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं, अगर कहीं पे नहीं समझ में आएगा तो, और बीच बीच में एक्नॉलेज करते हुए चलिएगा कि क्लियर है, ठीक है। अगर आप क्लोरोमीथेन लेते हैं, तो अगर आप अपने स्कूल में 11 में अगर लिख रहे हैं, तो इस रिएक्शन को वी कैन राइट लाइक दिस। हमें इतना मालूम है कि बीच में बॉन्ड है, जो शो कर भी सकते हैं और नहीं भी। किस मीडियम में हो रहा है, ड्राई इथर में हो रहा है। क्या फंडामेंटल हमारा है समझने के लिए, ये पोर्शन यहां से, ये पोर्शन यहां से हट गया, आपका क्या बना, CH3 CH3 प्लस 2 NaCl।
क्या है ये कंपाउंड, इथेन। ये एक तरीका है इन लोगों का पूछने का, जो हम लोग सब्जेक्टिव वे में हम लोग लिखते हैं, दिस इज द वे टू राइट इन अ सब्जेक्टिव मैनर। बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, फाइंड एक्स, और क्या दिया रहता है, इस तरह क्वेश्चन दिए रहते हैं। यहां पर आपका सोडियम दे देते हैं, यहां ड्राई इथर दे देते हैं, और बोलते हैं फाइंड एक्स। तो यहां पर फाइंड एक्स का मतलब क्या है, देखिए ये चीजों को अगर आप देखिएगा तो आप इसे एक लाइन में इस तरह भी लिख सकते हैं, 2CH3Cl, ये तो हमें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, 2Na क्या बन गया, C2H6, यही है ना, CH3CH3 प्लस 2NaCl। आप इसे कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो डबल है। तो वॉस रिएक्शन में हमेशा याद रखिएगा, जितना कार्बन का हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड होगा, उसका डबल कार्बन का क्या होगा, एल्केन होगा। तो एक कार्बन का है तो डबल कार्बन क्या होगा, CH3CH3 विच इज इथेन। लेट अस टेक समथिंग लाइक दिस, ये हमारा एक क्वेश्चन था, ये हमारा एक क्वेश्चन है। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, मान लो यहां पर बोलते हैं आपका C2H5 क्लोरीन के जगह आयोडीन लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Na दे दिए, ड्राई इथर दे दिए, और यहां पर लिख दिए A, दीज आर सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई A, तो मुझे बता सकते हैं ये A कौन सा कंपाउंड होगा। फरहान आप हो ना वहां पे, अभी आप मीटिंग आउट हो गए। यस सर क्या so बनेगा C2H5 gives 2Ni sir, C4H10, very good, butane, very just about C4H10 or Ni। अगर आप इसे लॉन्ग वे में देखिए, अगर टोटल वे में देखिएगा सब्जेक्टिव लिखने का, तो ये चीज है ना, ड्राई इथर कंडीशन में क्या बन गया, C2H5। आप चाहो तो इसे ओपन करके भी समझ सकते हैं, C2H5 नहीं लिख के आप इसे देखिए, मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूँ बच्चों, एकदम डिटेल में, मतलब कि कहीं भी कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं बचना चाहिए। जिनको बहुत अच्छे से आता है वो भी देखिए, ब्रशअप होगा, और जिनका बेसिक वीक है वो भी देखिए, काफी कुछ क्लियर होगा। ड्राई इथर ये देखिए, ये पोर्शन यहाँ, ओ सॉरी मैंने यहाँ क्लोर आई होगा ना सर, जी जी बिल्कुल आई होगा, आप एकदम करेक्ट है फरहान। ठीक है, देखिए यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहां से ब्रेक हुआ, तो कंबाइन तो ये जगह पे होगा, तो क्या बनेगा, CH3CH2। अब ये मुड़ के इस तरफ आ गया, CH2CH3। मुझे मालूम है, मगर अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में मिलेगा, नहीं सर 2Ni होना चाहिए, बिल्कुल ये लिख लीजिए। तो इसी तरह जितना कार्बन है उसका डबल कार्बन का आंसर कर दीजिए, डबल कार्बन क्या होगा, C4H10 जो ब्यूटेन भी है, मगर ओपन करके लिखिए, क्लियर है एकदम, ये एक बार देख लीजिए, किसी को कोई भी परेशानी yes, तो मुझे बताइए। मतलब इथर का नाम आएगा, मतलब हम लोग को ट्वाइस कर देना है। जी वही कंसेप्ट आपका बोला जा रहा है ना, आप यहाँ पर देखिए ना, कंसेप्ट तो वही है, टू मोल अप, जो कार्बन yes, है उसका yes, डबल, उसको मैंने ओपन करके दिखाया है, ठीक है, क्लियर है। ऐसा आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ओपन करके हम वही क्वेश्चन भेजे सर, आज सर क्लास में कराए, ठीक है, मैं अभी देख ले रहा हूँ, उसे भी यहाँ पर कर देता हूँ। Na dry ether, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका जस्ट डबल कर ले रहे हैं, ये देखिए CH3 CH2 CH2, तो 6 कार्बन बनाना है, 6 कार्बन सिंपल में लिख दीजिए, 3 है उसका डबल 6 होगा, 1 कार्बन का हेलो एल्केन 2 कार्बन देगा, 2 कार्बन का हेलो एल्केन 4 देगा, 3 कार्बन का 6 देगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैलेंसिंग के लिए, आप ऐसे करके लिख सकते हो, मगर अगर सिर्फ आइडेंटिफाई करने बोलता है तो कंपाउंड लिख लीजिए, क्या बन गया, हेक्सेन। ये कंपाउंड क्या है, क्लोरो, आप क्लोरीन नहीं लेके, आप यहाँ पर ब्रोमीन भी एग्जाम में दिया हो सकता है, कोई बात नहीं है, एक ही चीज है। ब्रोमोप्रोपेन, अब बोलोगे सर आपने ये नहीं लिखा, बैलेंस करना है कर लो, क्लियर है एकदम, देख लीजिए एक बार, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। चलिए फरहान कोलकाता के APJ स्कूल से हैं, इनका एक डाउट्स है जो मुझे उन्होंने व्हाट्सएप में भेजा है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपको भी ऑनलाइन एडमिशन या कोई क्वेरीज हो, ठीक है, कोई क्वेरीज भी हो तो आप पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका एडमिशन लेना ही हो, ठीक है, 9903461, एंड एनीवन वांटेड ऑनलाइन एडमिशन दे कैन कॉल ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस। चलिए ये फरहान का डाउट्स है फ्रॉम कोलकाता,
क्या है क्वेश्चन, ये मैं उनके व्हाट्सएप में दिया हूं तो मैं वहां से देख के इसे कर रहा हूं। ये आप मेरा पूरा, मैं यहाँ पर पूरा हाइड्रोकार्बन का प्लेलिस्ट यहाँ पे दे दूंगा आपको, मेरी प्लेलिस्ट आप देख भी सकते हैं, चैनल के स्टार्टिंग में ही दी हुई है, ठीक है, वहां पर हाइड्रोकार्बन पूरा किया हुआ है। आज डॉट्स क्लियरिंग हो रही है जिसमें से वॉट्स रिएक्शन हाइड्रोकार्बन की एक डॉट्स थी। चलिए सबसे पहले देखिए, ये मैंने आपको एल्केन में पढ़ाया है जब मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन बता रहा था, ठीक है। अब जैसे इसमें एमजी ड्राई इथर में दीजिएगा, हमारा क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बन गया, CH3MgBr। जैसे वाटर दीजिएगा, एक्टिव हाइड्रोजन का कंसेप्ट आ जाएगा, यहां पर एक एच लग जाएगा और CH4 बन जाएगा। क्लोरीन वन इक्विवेलेंट बोला जा रहा है, क्लास 10 का क्लोरीनेशन है, CH3Cl। आप बोलेगा सर बैलेंस नहीं कर रहे, हमें सिर्फ यहाँ पर कार्बन की कंपाउंड लिखनी है, ये ऑर्गेनिक है तो जो यहाँ पर जो कार्बन से कनेक्टेड चीज है वही लिखनी है। अब यहाँ देखिए Na dry ether जो हमने जस्ट अभी किया, क्या हो जाएगा, डबल कार्बन बन जाएगा, डबल कार्बन क्या हो जाएगा, C2H6। दिस इज द आंसर। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। फरहान कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो जो जरा ए ए को ब्रश अप कर दीजिए सर, ए ए को बिल्कुल ब्रश अप कर सकते हैं। आइए क्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये प्रिपरेशन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन क्या है, किसी भी हैलो एल्केन को अगर आप मैग्नीशियम में लेते हैं ड्राई इथर में, तो ये क्या होता है, ये दो बॉन्ड को ब्रेक करके उसके बीच में ये अटैच हो जाता है, ये बन जाता है RMgX। एक्स अगेन हेयर स्टैंड फॉर हैलोजन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, and this compound is known as alkyl for this magnesium for this and x stand for halide। तो alkyl magnesium halide को specifically किस नाम से जानते हैं, Grignard reagent। बहुत बड़ा इसके पीछे भी कैसे करके क्या हुआ, develop हुआ कैसे, ये बना, तो हम लोग उतना history जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये जानना है कि this is known as Grignard reagent। You can see more preparation over here। Let us take CH3I, या बोलते नहीं क्लोरीन ब्रोमीन, कोई भी एक ले लो ना आप मैग्नीशियम अटैच कर दो CH3MgI। वेरी गुड, क्या नाम है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, दिस इज ऑल्सो अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल। तो ये इसका प्रिपरेशन है, आप एक कार्बन नहीं लेके आप दो कार्बन भी ले सकते हो, C2H5 ब्रोमीन ले लेते हैं। ड्राई इथर क्या है, यहां पर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है जो इनको डिसॉल्व कर पाए। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, व्हाई आर गिविंग टू मी, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्लियर है एकदम। यस यस सर, यस। मगर मान लो कि अगर यहां पर एलिफैटिक कंपाउंड नहीं होके एरोमेटिक होता, हम लोग एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं, आप मान लो क्लोरोबेंजीन ले लेते हो,
और अगर यहाँ पे मैग्नीशियम देते हो तो यहाँ पर ड्राई इथर नहीं देके क्या दिया जाता है, THF, ये कंपाउंड है, इसका नाम याद रखिएगा, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, कब, जब एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, तो ये क्या लग जाता है, सेम बिल्कुल MgCl, जिसे हम लोग नॉर्मल वे में इस बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या लिख सकते हैं, C6H5 MgCl, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि फिर से बताऊं? फरहान, उबैद, मौलिक, यस सर, क्रिस्टल क्लियर? क्लियर है। ठीक है, तो अगर क्लियर है तो हम लोग जो वॉस रिएक्शन कर रहे थे उसमें वापस आ जाते हैं। यहां तक डाउट्स था फरहान का, उसको मैं अलग कर दूं। ये हम लोग सेपरेट कर देते हैं। यहां से हम लोग फिर ट्रैवल करते हुए, चलते हुए यहां आते हैं। ठीक है, देख लो, किसी को कोई डाउट्स है तो एकदम फील फ्री टू आस्क, पूछने के लिए नहीं आई एम सोचता हूँ सेंडिंग सर वन मैं। मोर यू सर आई एम सेंडिंग वन मोर सर आर सेंडिंग वन मोर, सो बात का एक बार डाउट्स क्लियर कर दूं, जब तक तुम सेंड करो। ओके सर। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। देखो, सिमेट्रिकल एल्केन क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब होता है इवन कार्बन एटम्स एल्केन। ये आप आराम से यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लो आपको कोई प्रिपेयर करने के लिए बोलता है कि प्रिपेयर इथेन थ्रू वर्ड्स रिएक्शन। हम लोग जानते हैं डीकार्बोक्सिलेशन से भी कर सकते हैं, बहुत सा मेथड है, क्लेमेंशन है, मगर कोई अगर क्वेश्चन आते हैं कि इफ यू वांट यू हैव टू प्रिपेयर इथेन थ्रू वर्ड्स रिएक्शन, देन व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल डू, इथेन वी नो दिस इज इथेन, सो वी टेक वन कार्बन ऑफ हेलो एल्केन, दैट मीन वी विल टेक दिस, है ना, एने ले लेंगे, ड्राई इथर ले लेंगे, बैलेंसिंग करने का है कर लीजिए, ये टू ये बन गया, क्लियर एकदम? ये देखिए सिमेट्रिकल है, व्हाई इट इज नोन एज जी सर, सिमेट्रिकल, बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, एनीथिंग व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट इज नोन एज सिमेट्री और सिमेट्रिकल। आवर बॉडी इज अ बायलैटरल सिमेट्री, दैट वी हैव स्टडीड इन बायोलॉजी। देन अगर कोई बोलता है हमें ब्यूटेन, सही है, सभी वस रिएक्शन के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं, दो कार्बन का ले लेते हैं। आप चाहो तो मैं इसे इस तरह लिख लिख के दिखा देता हूं, जो बहुत से मैक्सिमम बुक में लिखा गया, इस तरह इसे उल्टा करके, यहां से ये चीज हट गई, बात समझ में आ रही है ना? मैं एक ही चीज को देखिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हाँ आपका ये सर, डाउट्स आया तो ये और यस दिमाग सर, यस में सर, से नहीं निकलना चाहिए एकदम। किसी भी टाइम आपको लगेगा कि नहीं मेरा डाउट्स क्लियर हो गया, मुझे बोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी तरह हेक्सेन कुछ भी बनाना है, बट दिस इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। आप बोलेंगे क्यों, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या प्रॉब्लम है, क्यों अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज नॉट अ गुड मेथड फॉर दिस? आइसोमर्स बन जाता है उसका बहुत सारा। नहीं, आइसो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए अच्छा आइए, मान लीजिए मैं अनसिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर करना चाहता हूं,
मान लीजिए मैं प्रोपेन प्रिपेयर करना चाहता हूँ, सर यही पूछने वाला था मैं। चलिए आ गया, मैं आपकी भावनाओं को समझ गया था। ठीक है, ये प्रोपेन प्रिपेयर करना था, तो ये तीन कार्बन है। अब तो मैं 1.5 और 1.5 कार्बन तो नहीं ले सकता हूँ ना, डाल्टन तो पहले ही बोले एटम आर इनडिविजिबल। ठीक है, एटम को आप तोड़ नहीं सकते। हाँ, एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है, जो बाद में डाल्टन का थ्योरी गलत हुआ कि नहीं, उसके अंदर और भी सब एटमिक पार्टिकल होता है, वो एक अलग चीज है। मगर ये एटम को हम 1.5 1.5 तो नहीं ले सकते है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नहीं अगर बनाने के लिए होगा तो मेरे ब्रेन में क्या आता है? मेरे ब्रेन में ये आता है कि CH3Cl ले लो, Na ले लो, और CH3CH2Cl ले लो, और आप ड्राई इथर दे दो। और कितने सिंपल वे में ये हमारा बन गया, यहां से ये आउट हो गया, यहां से ये आउट हो गया, और यहाँ 2 सोडियम भी लगा लो, ये हमारा बन गया प्रोपेन, और साथ में क्या बन गया, 2NaCl। ये एकदम करेक्ट है, मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ यही रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर दो और रिएक्शन हो रहा है, CbNC। बिकॉज जब आप एक टेस्ट ट्यूब में आप CH3Cl दे रहे हो और एक और CH3CH2Cl दे रहे हो, पहले से हमने इसमें सोडियम और ड्राई इथर दे के रखा है, ठीक है, तो ये जैसे मिल रहा है तो ये क्या कर रहा है, आपका वस रिएक्शन क्या है? वस रिएक्शन बोलते ही आपका 2 मोलर एल्काइलराइड, वो सेम है कि डिफरेंट है वो हमें नहीं मालूम। सो ये क्या करता है, ये आपस में भी रिएक्ट करता है, ये भी आपस में रिएक्ट करता है, आज भी प्रीमियर हो जाएगा, क्या बोल रहे हो? हाँ सर बिल्कुल नो इश्यूज सर। अरे बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। चलिए, और ये दो कुछ पार्ट आपस में भी रिएक्ट करेंगे, बिकॉज ये दोनों एल्काइल हैलाइड है, तो हमारा बनना चाहिए था, हमें बनाना क्या था, प्रोपेन। ठीक है, व्हाट वी वांट टू प्रिपेयर, प्रोपेन, मगर बना क्या, प्रोपेन प्लस इथेन। बहुत बुक में इथेन प्रोपेन सीक्वेंस वाइज दिया है, कोई जरूरत नहीं है। एंड ब्यूटेन, इसका मतलब इट फॉर्म मिक्सचर ऑफ एल्केन। हमने पढ़ा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, याद है, नियो के बारे में ये सब देखा था। ठीक है, नहीं भी याद है तो फिर से पढ़ा दूंगा। मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा और इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, इट इज वेरी टफ टू सेपरेट देम, इसीलिए हम लोग ये यूज नहीं करते हैं ऑड नंबर के लिए। आप बोलोगे कि सर अगर एग्जाम में आता है तो आप हमें कैसे करके लिखोगे, ये चीज कैसे एग्जाम में लिखेंगे? आइए इसे लिख देता हूं मैं बहुत अच्छे से। आइए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी आप देख लीजिए, सब्जेक्टिव के वे में। ऑब्जेक्टिव के वे में तो आपको यूट्यूब में बहुत से मिल जाएंगे, मगर सब्जेक्टिव के वे में बहुत कम मिलता है। व्हाई इज, वो हम समझ गए, उबैद क्लियर है ना, मौलिक फरहान, तो हाँ सर क्लियर क्लियर थोड़ा ये भी लिख दूं, ये तो ऐसे भी मैंने अपनी वीडियो में लिखा है, याद है, व्हाई वाज रिएक्शन नॉट सर। हाँ सर याद है। प्रेफर्ड फॉर द राइटिंग। मेरी समझ में आ रही है ना, ठीक लिख रहा हूं ना? हाँ सर यस सर, हम लोग समझ अच्छा लिख रहे अरे रहे ये लगता है कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गया नहीं सर सही बात है। है, आप लोग से अच्छा लिख रहा हूं ठीक है, मगर बाकी लोग से तो अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं ना, बोले ऐसा सर है क्या? हम लोग में अरे नहीं, देखिए राइटिंग ना अच्छा और खराब नहीं होता है, राइटिंग क्लियर एंड अनक्लियर होता है। सो राइटिंग से आप अल्फाबेट आइडेंटिफाई आपका होना चाहिए, बट दैट इज अ गुड राइटिंग। ठीक है, वो मेरा मेरे नजर में वो सबसे बेस्ट राइटिंग है,
Why is Wass reaction not preferred for the preparation of alkanes containing odd number of ठीक है कार्बन एटम्स. ये देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है स्कूल के टीचर्स लोगों का 11 का एकदम फेवरेट क्वेश्चन. इलस्ट्रेट योर आंसर. अगर ये देखिए ये जो मैं इसके बाद लिख रहा हूँ क्वेश्चन अगर नहीं भी लिखा रहेगा तब भी आप एग्जाम्पल से ही इलस्ट्रेट कीजिएगा. इलस्ट्रेट योर आंसर बाई टेकिंग वन एग्जाम्पल. चलो ठीक है देखते हैं क्या है. लिख दो इसका आंसर पूरा. यस सर. यस सर. जी सर. थैंक यू सर. फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स जो ऊपर में मैंने लिखा है उस एग्जाम्पल को नीचे में प्लेस कर दीजिएगा. मैं सिर्फ उसका कंटेंट लिख दे रहा हूं ठीक है ना. For the preparation of alkane containing odd number of carbon atoms, a mixture of two alkyl halides has to be used since two alkyl halides can react in three different ways. Therefore, a mixture of three alkanes, mixture of three alkane is formed instead of the only डिजायर्ड एल्केन जो हम लोग प्रोपेन सोच रहे थे. फॉर एग्जाम्पल इस चीज को यहां पे कॉपी कर दीजिएगा ठीक है सर जी. जी सर. अच्छा सर ये सारे ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए जैसे अगर हम पेंटेन या हेप्टेन लेते हो उसमें देख लो, भी देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, पेंटेन मान लो तुम पेंटेन लेते हो. पेंटेन कितना है 5 कार्बन का है. अब तुम्हारे पास दो लॉजिक आएगा. एक तुम्हारे दिमाग में आएगा लॉजिक 1 दो और तीन कार्बन ले लेते हैं है ना. दो और तीन कार्बन लोगे तो क्या आएगा क्लोरोइथेन एंड क्लोरो. देखो मैं बार बार क्लोरोन क्लोरीन ले रहा हूं आप आयोडीन वगैरह कुछ भी ले सकते. एक मेरे पास ये दिमाग में आएगा लॉजिक और दूसरा लॉजिक मेरे दिमाग में क्या आएगा 1 and 4. और कोई लॉजिक आ सकता है बताओ. नो सर. तो यहां पर एक और कंसेप्ट इंक्रीज हो गया. प्रोपेन में तो बस दो ही बन रहा था एक और दो कार्बन दो या एक कार्बन बात एक ही है. तो यहां पर ये क्या मिक्सचर देगा ये तीन मिक्सचर देगा. एक ये दो आपस में रिएक्ट करके क्या देगा ब्यूटेन. ठीक है ये हमारा ये रिएक्ट करके दे रहा है ये रिएक्ट करके क्या देगा हेक्सेन. क्लियर है एकदम. जी सर.
और ये दो आपस में रिएक्ट करके जो मेरे डिजायर्ड कंपाउंड चाहिए वो देगा, मगर यहाँ तो मिक्सचर हो रहा है जिसको सेपरेट करना इज टफ जॉब फॉर अस। क्लियर एकदम? देख लीजिए। यस सर, क्लियर सर। और ये और ये क्या होगा अगर ये लेते हैं, लेता हूं मैं तो एक तो इथेन बनाएगा CH3CH, दूसरा बहुत बड़ा कंपाउंड बनाएगा, उसके लिए जगह रेडी रखना होगा ऑक्टेन। लास्ट में लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। 5 6 देख लो, कार्बन ज्यादा नहीं हो जाए, 7 8 और एक हमारा क्या देगा, ये दोनों मिलके पेंटेन। क्लियर है? लिखने का तरीका मैंने दिखा दिया है, ठीक है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि फिर से बताऊं? सर क्लियर, मतलब जितना हायर जाएंगे उतना ही बढ़ते जाएगा एल्केन मिक्सचर। नो, ये उबाद का डाउट था, क्लियर हो गया। ये भी कोलकाता से हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डाउट्स, अगेन फरहान जी का है, ठीक है? ये आपके कहाँ हुआ था फरहान? स्कूल में पूछा गया था क्या? यस सर, स्कूल में सर पूछ रहे, सब रिवाइज करा रहे। अरे हाँ, कहीं कहीं और भी पूछा जाएगा तो तुम उससे पूछ सकते हो, ठीक है? Yes, आसमान जमीन आकाश पताल कहीं का भी फरहान। चलिए, ये फरहान का क्वेश्चन है, इनके स्कूल में पूछा गया है। आपसे नहीं हुआ फरहान ये? सर फर्स्ट वाला समझ ना रहा, मतलब एक्स कैसा आएगा। चलिए मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ, पहले इनका क्वेश्चन लिख दूं। ये x है, H2PDBS, sorry PB, ये मेरा पुराना गलती है, PB मैं बार बार PD को लिख देता हूँ, PDBSO4 क्या बन गया, Y ओजोन जिंक है सर, खाली H। अच्छा एक मिनट, ठीक है, क्या बन गया Z, देख लो एक बार, देख लो आप। चलिए सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए क्या है, एक एक करके मैं बताता हूं। पहले मैं इसको दिखा रहा हूं, स्टेप वन, मतलब पहले x फाइंड कर रहा हूं, क्या फाइंड कर रहा हूं, x। देखिए ये रिएक्शन एल्काइन में दिया हुआ है, क्या है ये रिएक्शन हमारा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडियम अमाइड, ये दो स्टेप को एक साथ दे दिया। सोडियम अमाइड क्या करता है हमारा, अगर आप देखिएगा मेरा अल्काइन का, तो यहां से ये अमोनिया ओनली हाइड्रोजन निकलता है और सोडियम यहां पर सब्स्टिट्यूट होता है, क्या बनता है हमारा, सोडियम ब्यूटेलाइड। अगर ब्यूटाइन से बना है तो क्या नाम होगा, सोडियम ब्यूटेलाइड, प्रोपाइन से बनता तो सोडियम प्रोपोलाइड, इथाइन से बनता तो सोडियम इथेलाइड, ठीक है? इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, CH3Br दिया जा रहा है। तो CH3Br हमारा क्या यहां पर करता है, ये कार्बन एटम इंक्रीज करने का मेथड है, यहां से ब्रोमीन आउट हो जाता है और क्या बनता है, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। देखिए पेंटुआइन बन गया। अच्छा, मतलब सर दोनों बार मतलब अलग अलग करके रिएक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये दो स्टेप को एक स्टेप में मर्ज, हमको लगा दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। नहीं, ये आंसर आ ही नहीं रहा था। इसीलिए तो आपके बुक में देखिए, आपने जो क्वेश्चन मुझे भेजा है उसमें ये वन ये टू लिखा है, देखिए आपने मुझे भेजा है जस्ट। हाँ सर, वो तो सर हम अच्छे से लिखे, अभी हम उतना उस वक्त सुबह नहीं लिखे थे सर, सर के अंदाजी सर आप समझ नहीं पाते ऐसे लिखे थे। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग को समझ में आ गया सर की राइटिंग, तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बाद में इतने ऐसे लिखे। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई फाइंड करना है। तो वाई हमें किससे, एक्स से फाइंड करना है, एक्स हमें मिल गया है, दिस इज एक्स, क्या है एक्स सर, वाई का सिस में आएगा, सिस ब्यूट। याद है ना, पढ़ाया है ना। हाँ सर, वो तो कर लिया, सर के सॉल्यूशन आए थे, एक्स तो वाई निकाल लिया। चलो हमें अभी कुछ यहाँ पर सिस वगैरह भी जानने की जरूरत नहीं है,
हम लोग एकदम सिंपल वे में ये क्या करता है, एक बॉन्ड ब्रेक कर देता है, तो ये क्या बन गया हमारा। और ऐसे भी बुद्धि लगाओ ना कि ओजोनोलिसिस है तो यहां पर एल्कीन बनाना होगा अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया हमारा। अभी आप लोगों को मैंने कन्वर्जन नहीं कराया, जिस दिन कन्वर्जन करा दूंगा ना उस दिन ऑर्गेनिक का किंग हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये हमारा बन गया, ये हमारा क्या है, दिस इज वाई, वॉट इज वाई, पेंट टू इन। अब हमें ओजोनोलिसिस करना है, अब हम लोग जेड में आ रहे हैं, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है मगर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अगर आप मेरा लेक्चर देखे होंगे तो मैंने वहां पर शॉर्टकट ट्रिक भी दिखाया जो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। बिल्कुल याद है ना, डबल बॉन्ड ऐसे करके हटाओ, यहाँ ओ लगा दो, यहाँ ओ लगा दो, यस सर, यस सर, CH3 CH2 O, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, यस सर, क्लियर है, प्लस H2O2, यस सर, क्या नाम है, प्रोपेनॉल, इथेनॉल। मगर यहाँ पर जो एक गड़बड़ी की है ना, Z दो कंपाउंड होगा, Z एक कंपाउंड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये टीचर ने कैसे दिया मुझे मालूम नहीं, या आपने अच्छा, हाँ सर, एक और है सर, सर एक और, एक और, एक और सर, एक और क्या है, ओजोन है बाद में जिंक और H2O है, जिंक विद H2O लिखा है तो, हाँ सर वो फर्स्ट ओजोन है, सेकंड जिंक है। अरे हाँ हाँ, ये पूरा मिला के इसको ओजोनोलिसिस बोलते हैं। आप मेरा एल्कीन में अभी तक ओजोनोलिसिस को एक बार ध्यान से कीजिएगा, ठीक है सर, ठीक, देख लीजिए। और किसी का कोई भी डाउट है प्लीज, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे हमारा रात का 9:30 का टाइम सेट हो गया है 11 वाले लोगों के लिए, ये 3 दिन हमारा चलेगा, इसमें डाउट्स वगैरह सब पूछ सकते हैं आप। उसके अलावा 1-to-1 के लिए तो आप लोग ऑलवेज वेलकम है, ठीक है बच्चों। जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं उनके लिए भी कोई भी डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी सब्जेक्ट्स, एनी क्लास, ठीक है, क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक, ऑल सब्जेक्ट, ऑल लैंग्वेज। जो महाराष्ट्र बोर्ड्स के हैं उनको ही बता दूं कि मराठी की भी हमारी सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, बंगाली ऑलरेडी है ही है, काफी और भी सब्जेक्ट के इंग्लिश है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी क्लास 12 नीट जेई तक के लिए है, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं, कमेंट जरूर कीजिए कुछ भी अगर आपको डाउट्स हो। इसमें आप सिर्फ एडमिशन लेने के लिए नहीं, अगर कोई डाउट्स भी होती है तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, डू नॉट कॉल। सो बच्चों मिलते हैं फिर, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।